हेलो फ्रेंड्स, मैं तोहिद अंसारी, ETS चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज चल रहे हैं ऑफिस में और बाहर का कोई कॉल है नहीं, पालनपुर ऑफिस में ही काम है और चलते हैं अभी पालनपुर ऑफिस और देखते हैं कि वहाँ पे क्या इश्यू है। तो दोस्तों, अभी हम निकल चुके हैं घर से बाहर ऑफिस जाने के लिए। और 11 बज रहे हैं अभी, टाइम हो रहा है और हम अभी सोसाइटी की गेट से बाहर आ चुके हैं। दोस्तों, अपने को दिख ही रहा होगा। और दोस्तों, काफ़ी दिन बाद व्लॉग शूट हो रहा है। ऐसे व्लॉग मतलब काफ़ी दिन से मैं घर पे था, छुट्टी पे, आज निकला हूँ क्योंकि मेरे बैक में पेन हो गया था, स्लिप डिस्क हो गई थी, मतलब कमर की जो गद्दी होती है वो खिसक गई है। तो अभी भी सही नहीं हुआ है ऐसा लग रहा है, आज देखना पड़ेगा। शाम को ऐसा होगा तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि लग नहीं रहा कि सही हुआ है, दर्द हो ही रहा है दोस्तों। तो देखता हूँ, आज शाम को फिर से अपॉइंटमेंट है डॉक्टर की, दिखाना पड़ेगा क्योंकि जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट मिला नहीं है। और दवाइयाँ चली, स्टेरॉइड वगैरह मैंने खाई तो ठीक हो गया था, ऐसा लग रहा था कि ठीक हो गया, और संडे तक की छुट्टी पर था, बट वही प्रॉब्लम है, अगर झुकने जाते हैं तो बहुत हेवी पेन हो रहा है, मतलब सो के उठते हैं तो उठा नहीं जा रहा है, तो बताना तो पड़ेगा तो डॉक्टर को, क्योंकि ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो चुकी है दोस्तों मेरे साथ, काफ़ी मतलब तकलीफ हो रही है इसके। चलते हैं अभी फ़िलहाल तो ऑफ़िस में चलते हैं, देखते हैं ऑफ़िस का काम ख़त्म करते हैं और फिर रिटर्न में आके करेंगे मतलब डॉक्टर से मिलेंगे और करेंगे। आज की अपॉइंटमेंट है, 5 दिन के बाद बोला था डॉक्टर ने, तो आज दिखा देते हैं, देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हो चुकी है। और अगर कमर दर्द ठीक नहीं हुआ तो फिर ये सब चीज़ें हो ही नहीं पाएगी, ब्लॉगिंग और ऑफिस वगैरह काम वगैरह, क्योंकि इसी पर तो सब चीज़ है। बस तो अभी मैं चला ही नहीं पा रहा हूँ बाइक, अगर चलाना हो तो दर्द हो रहा है, झुक अगर तुम झुकते हो तो भी दर्द होता है। अभी आराम से धीरे धीरे चला रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है कि दिखा के और सही से दिखाना चाहिए इसको, पता नहीं क्या हो जाता है रह रह के। अभी तो दवाई खाई है फिर भी दोस्तों बैठा नहीं जा रहा है बाइक पर, मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे कि दर्द हो रहा हो, क्या कर सकते हैं, चलते हैं अभी। अभी पहुंच चुके हैं, जैसा कि हम गठावन रोड, गठावन दरवाज़ा, और ट्रैफिक आपको दिख ही रहा होगा, देखिए किस लेवल का ट्रैफिक हो रखा है। काफ़ी ट्रैफिक है, और ये चीज़ जो है दोस्तों वो काफ़ी मतलब
ध्यान से निकालने की ज़रूरत रहेगी, नहीं तो कोई लेके चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो उसको ध्यान रखना है, बहुत काम की चीज़ है, जहाँ रुको वहाँ से उसको निकालना पड़ेगा। और थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, देखो कैसे जा रहे हैं सिटी के अंदर, ये हमें भी आती है बट क्या करें, अभी हेलमेट वगैरह पहना रहता है तो जजमेंट लेना मुश्किल हो जाता है। तुम जैसे उड़ा रहे हो हमें भी उड़ाने आती है भाई, बट अभी उड़ा नहीं सकते ना, और उड़ा के कोई मतलब भी नहीं होता है दोस्तों, ऐसे उड़ा के चलने से क्या मिल जाएगा। देखो इनको अब तक खड़े थे, मेरे आने के टाइम ही इनको चलना हो गया, तब से खड़े थे। और जैसे मैं आया उनको चलने का हो गया, पता नहीं क्यों। तो आना है शाम को यहीं पे, ये गोकुल मेवाड़ा हॉस्पिटल, यहीं पे आना है शाम में, यहीं पे दिखाना है। पालमपुर में काफ़ी मतलब फेमस डॉक्टर है ये मेवाड़ा हॉस्पिटल जो है वो ऑर्थोपेडिक, और मेरा एक बार मतलब हाथ का ऑपरेशन भी यहीं हुआ है, हाथ टूटा था मेरा तो वो भी मतलब यहीं करवाया था, तो काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। अभी आते हैं शाम को तो देखते हैं क्या होता है। ट्रैफिक देखिए दोस्तों आप, किस लेवल का ट्रैफिक जाम हो रखा है। अलग ही लेवल का ट्रैफिक है आज। और दूसरी बात है कि काफ़ी दिन बाद मैं आ रहा हूँ तो थोड़ा यूज़ टू होने में टाइम लग जाता है ना, क्योंकि अब डेली चलाते हैं और फिर काफ़ी दिन के बाद मैं मतलब ड्राइव कर रहा हूँ। क्या बोले लोगों को, हंसी आती है। और दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पालमपुर न्यू बस स्पॉट के एरिया में, देखिए ये है पालमपुर का बस स्पॉट जो न्यू बना है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है जो पालमपुर से हैं उन लोगों को तो सबको पता ही है। ये पहुंच चुके हैं एरोमा सर्कल, और आपको दिख रहा होगा कि ट्रैफिक यहाँ किस लेवल का जाम हो रखा है, और सब तरह से गाड़ियाँ निकल रही है, कुछ ना रोका जा रहा है ना कुछ नहीं, मतलब सब कोई जहाँ से जो मर्जी हो रहा है घुस रहा है आ रहा है चल रहा है, पता नहीं क्यों आज मतलब कोई रोक टोक है ही नहीं। देखिए सब तरफ से रास्ते खुले हैं, तो दिख ही रहे होगा, और इसमें काफ़ी तकलीफ होती है दोस्तों, कब कौन कहाँ से आ जाए पता नहीं। क्या कर सकते हैं अभी, और देखिए ये रोड का काम चल रहा है दोनों साइड, आपको दिखेगा काफ़ी ज़ोर शोर में चल रहा है, जिसे तोड़ रहे हैं, ये चौड़ा हो जाएगा पूरा सर्कल यहाँ पे, तो अच्छा हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी तो काफ़ी सही हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि इसकी ज़रूरत है पालनपुर में।
ऑफिस में जाके देखते हैं क्या काम है कुछ क्या नहीं है। तो ऑफिस का काम करना है और उसके बाद फिर निकल के शोरूम पर चलना है और शोरूम से फिर रिटर्न आके डॉक्टर को दिखाना है। तो इतना आज का शेड्यूल है दोस्तों। सबसे पहले ऑफिस में काम ख़त्म करना है, उसके बाद चलना है यामाहा के शोरूम पर, क्योंकि बैटरी चेंज करवाने दी थी जो कि ख़राब हो चुकी थी, और थोड़ा चेन भी टाइट करवाना है, बहुत लूज़ हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें करवानी है और उसके बाद फिर रिटर्न में आके डॉक्टर को दिखाना है भाई क्या है, क्यों ठीक नहीं हो रहा है, ये कमर दर्द जो है वो जा क्यों नहीं रहा है। तो देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब, और उसके बाद फिर चलेंगे घर को। और ट्रैफिक का तो इस लेवल का मतलब प्रॉब्लम हो चुका है ना पालनपुर में, क्या ही बताएं अभी आपको, लेवल पार हो चुके हैं सारे। तो फिलहाल अभी हम पहुंचने आए अपने ब्रांच पे। तो दोस्तों यही था आज का छोटा सा व्लॉग, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।